इमोशनल बैंक अकाउंट भी होता है जो लोगों के दिलों में अकाउंट खोला जाता है, जो हमदर्दी का अकाउंट होता है, जो मोहब्बत और शफकत का अकाउंट होता है, जो एक दूसरे के साथ एक दूसरे की मदद के हवाले से होता है, खैरखाही का अकाउंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है। अगर वो बैंक अकाउंट नहीं भी है तो ये बैंक अकाउंट आपका लोगों के दिलों में होना चाहिए। अगर हम लोग कामयाबी हासिल करना चाहते हैं और लीडरशिप के लेवल पर जाना चाहते हैं और बड़ी टीम बनाना चाहते हैं ताकि बड़े गोल को, बड़े काज को हम अचीव कर सकें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें लोगों के दिलों में इमोशनल बैंक अकाउंट को ओपन करना है। और इमोशनल बैंक अकाउंट जब ओपन होता है तो ये एक्चुअली ट्रस्ट का लेन देन होता है, इत्माद जैसे जैसे पैदा होता है उतना ही बैंक अकाउंट हमारा लोगों के दिलों में बढ़ता जाता है। आपने ये देखें, एक छोटी बच्ची भी कह रही है कि लोगों के दिलों में अकाउंट खोलने के तीन तरीके हैं, अच्छे रवैये के साथ हम, अच्छे अखलाक के साथ, अच्छी बातचीत के साथ हम दूसरों के दिलों में अकाउंट खोल सकते हैं, और दूसरा ये कि मुस्कराहटें लोगों को देकर, स्माइल देकर, थैंक्स के साथ, स्माइल हैप्पीनेस के ज़रिए हम लोगों के दिलों में हमदर्दी का अकाउंट खोल सकते हैं, इमोशनल अकाउंट खोल सकते हैं, रिलेशनशिप का अकाउंट खोल सकते हैं। और इसके बाद तीसरे नंबर पर है कि लोगों के काम आए, छोटे छोटे टास्क उनको गाइड कर देते हैं, उनको मशवरा दे देते हैं, कोई रास्ते में पत्थर पड़ा तो उसको हटा देते हैं, तो ये लोगों के छोटे छोटे काम आने के हवाले से ये भी इमोशनल रिलेशनशिप अकाउंट, EBA इमोशनल बैंक अकाउंट खोलने में हमें आसानी होती है।